वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी का जो एग्जामिनेशंस 26 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और सेक्शंस ए में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आज के इस वीडियो सेशंस में एनालिसिस देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले शिफ्टों के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो जाते हैं और साथ में आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नाविक डीबीजीडी यांत्रिक में सेक्शंस ए के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जीके जीएस इंग्लिश मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये कॉमन होते हैं, तो ये सभी डीबीजीडी और यांत्रिक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले मैं इस फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस दे दिया हूँ प्रॉपर ढंग से। जो कैंडिडेट अभी तक एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप इजीली वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जितने भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन है जो मैं मैक्सिमम 100% रियल और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी जांच करने के बाद ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड करता हूँ, लेकिन जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक्स होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम कहाँ होता है, कम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन पे सबसे कम होता है जी का मान। आप सभी जानते हैं ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अधिक कहाँ होता है, तो पोल पे होता है यानी ध्रुवों पे अधिक होता है। तो ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में कम वाला पूछा गया था, तो जो कैंडिडेट विषुवत रेखा पर क्लिक किए होंगे उनका सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, जो वंदे मातरम जो गीत है के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पूछा गया था, राष्ट्रीय गीत पूछा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो कैंडिडेट लगाए हैं ऑप्शंस बिल्कुल सही है। देखिए, गान जो होता है ना जन गण मन, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। तो ये कन्फ्यूज बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है और गान कौन सा है। तो देखिए, गान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर और गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपके एग्जामिनेशन में गीत पूछा गया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल डमरू मध्य किस नाम से जाना जाता है, तो जल डमरू मध्य, तो ये पाक जल संधि यानी पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये देखिए अलग अलग बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन फाइव देखिए, भारत में परमाणु के जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। देखिए, मैंने एक 2014 से लेकर 2021 तक, मार्च 2021 तक जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी यांत्रिक में जीके और साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 500 प्लस मैंने क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया हूँ यूट्यूब पर, उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जीके और 10 क्वेश्चन जो साइंस के पूछे जाते हैं, तो लगभग आपको 12 से 13 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूर्य का सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखाई देना किसका कारण होता है, तो आप सभी जानते हैं अपवर्तन की ये घटना होती है जिसके कारण सूर्योदय होने से पहले ही दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन 7 देखिए, लाल दानेदार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर्स नहीं मालूम हुआ, लेकिन जितने भी ये जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सभी जो राज्य हैं यहाँ पर क्या होता है लाल मिट्टी, जो लाल दानेदार मिट्टी पाया जाता है। अब आपके ऑप्शंस में क्या था वो आप लोग जानेंगे, यदि आपको एग्जैक्ट मालूम होगा, यदि इनमें से कोई होगा तो वही आंसर्स होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, नए राज्य बनाने की मांग कहाँ रखा जाता है, तो संसद में, पार्लियामेंट में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो वहाँ पर कम पलायन वेग होता है जिसके कारण वायुमंडल ना होता है वहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मुझे 9-10 क्वेश्चंस मिला है जीके और साइंस के मिलाकर, एक और नीचे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 10 देखिए, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो ओप्पो क्यू हो जाएगा, काफ़ी फेमस है। एडेप्टेबल का यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम्स, तो इसका हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल या लिमिटेड। क्वेश्चन देखिए 12 यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया, फेमस है लवर ऑफ मैनकाइंड, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 13 यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक से लगभग नाउन,
नाउ मतलब ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं, उसके बाद सिंटेक्स वगैरह से, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीपोजिशंस से। तो ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आर्टिफैक्ट का यहाँ पर साइनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा मीमेंटो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये वॉयस से 4 क्वेश्चंस पूछा गया था और नरेशन से 1 क्वेश्चन। देखिए लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं वॉयस और नरेशन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉइस नरेशंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये देखिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेटली मेरे में से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रैंकिंग ऑर्डर से 1 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखिए मैथ की बात करते हैं तो मैथ में एडवांस का जो एडवांस मैथ है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मेंसुरेशंस वगैरह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से 3 सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमीटर से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए एसआई, परसेंटेज, एवरेज, ये सभी एलसीएम एचसीएफ ये सारी टॉपिक को क्लियर करके दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बना था ठोस से गैस बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो ठोस से सीधे गैस का में बदलना ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो आई होप कि आप सभी को एग्जाम एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आपको कुछ नहीं, बस चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि 28 सितंबर 2021 तक मैं सभी शिफ्टों का आपको एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूं। आपको लाइक शेयर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा। बस इतना ही है, आप लोग वीडियो को देखिए और आप यहाँ से हेल्प लीजिए। और मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ, आपका हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट यानी 3rd शिफ्ट के। थोड़ा सा मैं लेट हूँ बट कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन मिलेगा मुझे प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।